अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज जो है हमें कराची में तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हमें कराची में, 1 दिन ट्रेन में गुजरते हैं, 4 दिन हम घर से बाहर हैं। और हमारे पास इतना ही टाइम था और हमने इस टाइम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया और काफ़ी जगहों पे हमने हम घूमे हैं। बर्न्स रोड, क्लिफ्टन, दो दरिया, बहुत सारी जगह हैं, यानी अनगिनत जगहों पर हम घूम चुके हैं। और आज जो है हमारी वापसी हमारी घर की तरफ, और इस दफ़ा हम जो जा रहे हैं बाई बस जा रहे हैं, फैसल मूवर्स के नाम से बस है, उसमें जाएंगे। तो देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है बस का सफ़र, हमने इस तरह इतना लंबा कभी किया नहीं है और सुनने में आ रहा है काफ़ी अच्छी बस है, तो देखते हैं। सो स्टे विद अस, अभी चलने लगे हैं। से बाहर आ चुके हैं और अब जो है हम चेकआउट करने लगे हैं यहाँ से, और हमारी जो गाड़ी है वो आएगी और हमें सहराब गोश्त बस स्टॉप के ऊपर छोड़ेगी। उसके बाद वहाँ से हम जो है अराइव होंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो स्टे विद अस। फैसल मूवर्स के बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची के बेस्ट बेस्ट जगह जो हमने गई हैं वो उनमें से नंबर वन पे जो है हमें पसंद आई है PDF साइंस सेंटर, जो है बहुत ही मैग्नीफाइंग साइंस सेंटर। ये वो जगह है जिसको देख के मुझे लग रहा था मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, बहुत ही बेहतरीन बच्चों की जगह। मैं तो कहता हूँ म्यूज़ियम तो हर कोई जाता है, बंदा 3-4 म्यूजियम्स को छोड़ के उनके पैसे जमा करके बंदा इस जगह पे जाए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पर टिकट, लेकिन फर्स्ट की फ्लोर्स के अंदर इतना इंजॉयबल मटीरियल पड़ा है ना, आप हैरान रह जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त जगह है। उसके बाद ये देख सकते हैं नेवल म्यूज़ियम है, वहाँ पे जो थी सबमरीन के अंदर सिस्टम जो दिखाया था वो भी बहुत बेहतरीन था। और क्लिफ्टन भी है, वो मनोड़ा बीच वो बहुत अच्छा था, बोटिंग का सेशन जो था, ओवरऑल सारा ही बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह करे खैर के रहते हम पहुँच जाए। अभी बस मैं बस आने वाली है हमारी, उसके बाद हम निकल गए बस। फ्रेंड्स अपनी बस के अंदर जो है हम आ चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बस है, लग्जरी टाइप है। अभी हमें अभी लाके दी है, इसके अंदर क्या देखिए 20 रुपीज़ वाला लेस, एक केक और वहाँ पे एक स्टॉप पे रुके हैं। बस काफ़ी पुरसकून है, लेकिन हम लोग टांगे नहीं फैला पा रहे हैं, सुकून से नहीं बैठ पा रहे हैं। अब हल्का फुल्का चलते फिरते अब सही फील हो रहा है। अभी तकरीबन 15 घंटे का सफ़र रहता है। सो स्टे विद अस। फ्रेंड्स जो जो हम आगे जा रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है। डिनर वगैरह करने के लिए रुके थे और अब जो है यहाँ से हमने शॉप से कुछ खाने वगैरह वाली चीज़ें ली और कॉफ़ी यहाँ पे बाय की हमने, क्योंकि रात को हम जागेंगे सोएंगे नहीं, और बड़ी ही ज़बरदस्त और बेहतरीन कॉफ़ी थी, कैपुचिनो थी, बहुत मज़े की। तो अभी बस जाने लगे हैं, अभी हमारी कार वॉश हो रही है, उस पर निकलेंगे। तो स्टे विद अस। रुके हैं, सूप भी निकली, चिकन सूप भी निकली, मेरे पीछे देख सकते हैं स्टॉल है, ये देखिए गर्म आग। जो हम कराची से जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो सर्दी बढ़ती जा रही है। कराची में तो बिल्कुल सर्दी थी, हम लोग स्टार्टिंग में बस ये एक पतली ही शर्ट पहन के आए थे, अब उसके बाद फिर ये दूसरी शर्ट आ गई, फिर ये अपर आ गया, आहिस्ता आहिस्ता जैकेट्स भी आ जाएंगे। इस वक्त जो है तकरीबन रात के 4 बजे हुए हैं, बल्कि अभी 3:30 हुए हैं, और हमारी बस जो है मुल्तान रुकी है, और इस वक्त जो है वो कह रहे हैं कि जब मोटरवे जो खुलेगा, क्योंकि फॉग वगैरह धुंध है काफ़ी ज़्यादा, तो जब मोटरवे खुलेगा तब बस चलेगी। अल्लाह करे बस जल्द से जल्द चले बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाना, वरना 11 बजे कह रहे हैं मोटरवे खुलेगा ये। और कल जो है हम तकरीबन मुश्किल से 2 घंटे सोए होंगे, मैं तो 2 घंटे सोया था, क्योंकि बस में आपको पता है चेयर होती है, तो सोना नहीं सोया ज़्यादा। तो इस वक्त जो है हम
मियाँ वाले के करीब हैं और एक स्टॉप पे रुके नाश्ते के लिए सोचते भी तक। कितनी ज्यादा है फोग ही फोग पहाड़ को भी देखते हैं। जो है हम इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं और फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूं और अब जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं और ये जो ट्रिप था कामयाब रहा और बहुत ही बेहतरीन रहा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।